It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Yo, what is up, guys? It's the Game Over, back with a new episode. तो मैं इस episode में कुछ gaming से related तो नहीं, पर आपके PC से related एक content आप लोगों से share करना चाहता हूँ. तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग आजकल लाइव वॉलपेपर यूज़ करते हैं, और बेसिकली वो लोग आधे से ज़्यादा लोग तो पेड वर्जन यूज़ करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर उन्हें ख़रीदना नहीं होता, इन सिंपल वर्ड्स. तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊँगा जिस, और वो एक पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है, इट इज़ एन ऑफिशियल सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंपनी, और वो एक पायरेटेड नहीं है, मार्क माई वर्ड्स. नहीं तो फिर आप लोग वो मत लिख लेना कमेंट में, पायरेटेड यूज़ कर रहा हूँ मैं. उससे आप लोग लाइव वॉलपेपर लगा सकते हो, और लाइव वॉलपेपर से आपके डेस्कटॉप का लुक भी थोड़ा सा एनहांस होता है. जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस स्टार्ट करके रखा है, तब भी लाइव वॉलपेपर अगर आपकी स्क्रीन में चलती है तो उससे सुंदर सा लुक आता है. तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना प्रेफर्ड ब्राउज़र खोलना है. आई प्रेफर गूगल क्रोम, यू कैन यूज़ एनी माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह. और उसमें आपको टाइप करना है लाइवली, LiveWall लाइवली वॉलपेपर्स, एंड एंटर. तो एक पहला वेबसाइट खुलेगा, rocksdanister.github.io. आपको इसी वाले में क्लिक करना है. उसके बाद कुछ ऐसे ऐसे पेज खुल जाएगी जिसमें आपको ये ऑलरेडी एक स्क्रीन हिल रहा होगा आपके सामने. ये चेंज हो सकता है, मैं आज के दिन शूट कर रहा हूँ तो आज ये ऐसा है. हो सकता है कि आप बाद में शूट करो तो आपको अलग रखे. पहले तो आप इस वेलकम स्क्रीन में आओगे, फिर आपको नीचे जाना है डाउनलोड पर, और डाउनलोड पे आएगा इंस्टॉल सेटअप. लेटेस्ट वर्जन है अभी 1.0.7.0. हो सकता है अगर आप लोग ये बाद में देख रहे हो तो कोई और वर्जन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपको कर देना है इंस्टॉल सेटअप. उसके बाद ये अपने आप इसका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना. इसके सेटअप में थोड़ा सा टाइम लगता है, चाहे आपकी इंटरनेट कितनी भी फास्ट हो. अभी मैं बेसिकली एक 300 Mbps का प्लान यूज़ करता हूँ, तब भी अभी भी मतलब स्पीड टाइम ले रहा है. तो ये अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है. अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको करना है शो इन फोल्डर, शो इन फोल्डर. तो ये रहा लाइवली सेटअप जो भी है इसका नाम, इसको आपको करना है ओपन. अनदर प्रोग्राम इज, अच्छा समझ गया. आप कहीं से भी ओपन कर लो फाइल्स के थ्रू या यहाँ से डायरेक्टली. आपको इसमें क्लिक करना है, फिर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर स्मार्ट स्क्रीन प्रिवेंटेड अनरिकग्नाइज ऐप. ये इसलिए आता है क्योंकि बेसिकली ये ऑल टाइम आपके बैकग्राउंड में चलेगा, तो इससे आपके कंप्यूटर को कोई हार्म नहीं है, आप इसको आराम से खोल सकते हो. अभी ये फिर एरर आएगा, इसको आप फिर मोर इन्फो में दबाना है, फिर रन एनीवे करना है. इससे कोई वायरस नहीं आता, मैं पहले भी डाल चुका हूँ, अभी मैंने जानबूझ के अनइंस्टॉल किया है आप लोगों को ट्यूटोरियल देने. फिर आएगा इंस्टॉल फॉर मी ओनली, आपको करना है फॉर ऑल यूज़र्स नहीं. उससे आपको और परमिशन भी देने पड़ेंगे इंस्टॉल फॉर मी. फिर लैंग्वेज इंग्लिश ही है, मतलब इंडिया इंडियन लोगों के लिए जो ने समझ आएगा, या फिर कोई और आपकी चॉइस है, और बहुत सारे रशियन वगैरह. आपको इंग्लिश में करना है, फिर आपको करना है आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, और अगर आपको रीड करना है तो आप रीड भी कर सकते हैं. फिर आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है, फिर आपको वो करना है कि कहाँ पे डेस्टिनेशन किधर उसे वो होना है, सेव होना है. फिर आपको नेक्स्ट कर देना है, फिर आपको करना है स्टार्ट विथ विंडोज़ भी येस करना है, और क्रिएटर डेस्कटॉप भी येस करना है, डेस्कटॉप शॉर्टकट सॉरी. अब नेक्स्ट करके आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है. तो अब ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, कुछ 10 सेकेंड्स में ये पूरा इंस्टॉल हो जाना चाहिए आपका. तो ये हो ही गया इंस्टॉल, बस लगभग बस हो गया. अब आपको फिनिश में टैप करना है. अब आपके सामने ये सॉफ्टवेयर खुल जाना चाहिए अपने आप, और अगर नहीं खुलता तो कोई डरने की बात नहीं है. हाँ खुल गया. आप इसके एक ना आपके डेस्कटॉप में वो शॉर्टकट सेव हो जाएगा, तो अगर नहीं खुला तो उसमें टैप कर देना. अब ये आएगा द विजिट विल गेट यू स्टार्टेड ऑन सेटिंग अप लाइवली. आपको नेक्स्ट करना है, स्टार्ट विथ विंडोज़ आपको ऑन रखना है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था. फिर आप यूज़र इंटरफेस, अगर आपकी मान लो जैसे i3 है, i3 प्रोसेसर है, और कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड भी नहीं है,
तो आपको लाइट मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा। पर मान लो i5 जैसी प्रोसेसर है या Ryzen 5 है, तो Ryzen में तो ये आप मान लो आपके पास Ryzen 3 भी है तब भी आप नॉर्मल कर सकते हो, पर इंटेल की i3 है और ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो समझ लो लाइट करना है, ग्राफिक्स कार्ड है तो आपको बस नॉर्मल में करके नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको आएगा कंप्लीटेड लाइवली इज मिनिमाइज ऑन टू सिस्टम ट्रे, राइट राइट क्लिक लाइवली आइकन टू कंटिन्यू। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक एरो की ऑप्शन होती है हर पीसी में होती है, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप। फिर यहाँ पे एक रेनबो टाइप का एक आइकन होगा लाइवली वॉलपेपर लिखा भी है, आपको बस इसमें क्लिक कर देना है। इसको पहले हम क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, फिनिश द सेटअप टू कंटिन्यू, ये पिछले बारी भी प्रॉब्लम हुई थी, कोई नहीं। इसको आपको राइट क्लिक, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, आपको इस लाइवली वॉलपेपर पे राइट क्लिक करना है और फिर ओपन लाइवली में क्लिक कर देना है। फिर आपको कुछ ऐसा सा इंटरफेस मिल जाएगा, इसमें अभी तो ज़्यादा वॉलपेपर है नहीं, इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो। ये जो साइड में प्लस का साइन बना है, ऐड वॉलपेपर, और लाइवली के मतलब वॉलपेपर बहुत सारे आपको गूगल में मिल जाएंगे। और मैं अगर आपको वो भी जानना है कि कैसे और एक्स्ट्रा अपने चॉइस का वॉलपेपर डालना, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो डू कमेंट डाउन बिलो। तो अभी इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इतने सारे ही वॉलपेपर मिलेंगे, तो मैं आपको कुछ मेरे पर्सनल फेवरेट्स करके लगा के दिखाता हूँ। तो ये एक है जेली फिश वाला, तो आप देखो ये कितना मतलब एक्चुअली ब्यूटीफुल है। इसको आप कर्सर के साथ भी हिला सकते हो ऐसे लाइक दिस, और बहुत सारे हैं। आप चाहो तो ये स्टार फील्ड, ये आपके कर्सर को फॉलो करेगी, अभी कर्सर राइट जा रहा है तो ये भी राइट, लेफ्ट जा रहा है तो लेफ्ट, डाउन, अप, ऐसे बहुत सारे हैं। एक पीरियोडिक टेबल भी है, जिन्हें याद करने में मुश्किल होती है वो लोग देख देख के ऐसे ही सीख जाएंगे। और बहुत सारे हैं, रिपल्स है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेदर का परमिशन देना पड़ेगा। और रेन V2 है, इसके रेन V1 भी आता है, और आप अपने पर्सनल चॉइस के भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको अपने पीसी में वॉलपेपर चाहिए, सो दिस इज़ द बेस्ट फ्री सॉफ्टवेयर। को डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मैं अभी लिंक डाल दूंगा अगर आपको सर्च करना नहीं है तो। एंड होप यू ऑल इन्जॉयड माई वीडियो, इफ़ यू लाइक द कंटेंट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन अ लाइव स्ट्रीम और अ न्यू वीडियो। टिल देन गुड बाय।